अक्टूबर के आखिर में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। पराली के जलने की वजह से हवा की स्थिति बेहद खराब है। गाजियाबाद दूसरे दिन भी देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा। शुक्रवार सुबह गाजियाबाद का ऑल ओवर एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 373 दर्ज किया गया था। गाजियाबाद कॉलोनी सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। PM10 239 खराब श्रेणी और PM2.5 326 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली के आनंद विहार में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 दर्ज किया गया, जबकि नोएडा सेक्टर 62 में 367, सेक्टर 125 में AQI 340, सेक्टर 1 में 344 और सेक्टर 116 में 350 दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम में सुबह AQI बहुत खराब श्रेणी में था। गुरुग्राम सेक्टर 51 में 356 AQI दर्ज किया गया है। दरअसल दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 24 अक्टूबर से बिगड़ने लगी थी और एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया था। वायु प्रदूषण की गुणवत्ता खराब होने का सबसे अहम कारण दिल्ली से सटे हरियाणा और पंजाब में पराली जलाना है। आने वाले दिनों में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण के बढ़ने की संभावनाएं और ज्यादा हो जाएंगी। 19 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उपसमिति ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसके बाद भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है।